दोस्तों मुझे तो लग रहा है घोड़े पर सवारी कर रहा हूँ दोस्तों, देख रही हो ना क्या करी। ये बड़ा वाला है दोस्तों, कैच कर लिया दोस्तों मैंने। गरम है, गरम है। हाँ गरम तो है। हेलो दोस्तों, जबरम ब्लॉग से आप सबके लिए फिर से नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। हम तो अच्छे, उम्मीद करते आप लोग भी अच्छे होंगे और आगे भी ऐसे ही अच्छे रहना। दोस्तों सुबह का अभी 8 बज रहा है, आप सबके लिए प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। और देख रही हो ना बैठकर मेरा पति कैसे खा रही है। क्या खा रही हो दिखाओ, क्या दोस्तों? अमरूद है दोस्तों, अमरूद। हाँ ब्रश किए हो ना? हाँ। पति क्या गिर गया, रहने दो रहने दो। मेरा पति जो भी मिलता है सब खा लेता है दोस्तों। हाँ हाँ। घर में जो भी मिलता है खाने की चीज, खाने का चीज है, मैं नहीं खाऊंगा तो और क्या खाऊंगा। हाँ ठीक है, खा लो खा लो। और दोस्तों मेरा वाइफ आज सुबह उठकर मुझे छोड़कर अकेला छत्तू ढूंढने के लिए चला गई थी दोस्तों। हाँ दोस्तों, मेरा पति रोज लेट होकर उठता है इसलिए मैं छोड़कर चला गई थी। और देख रही हो ना, देख रही हो ना मेरी हाथ में क्या है दोस्तों, छत्तू है। हाँ ना। हाँ ये लोकल का सबसे महंगा छत्तू है दोस्तों। छत्तू है, ये एक साल में एक बार ही निकलता है। हाँ। जंगल में मिलता है दोस्तों ये छत्तू। जंगल थोड़ा कम है, बहुत ही कम। हाँ, हमारे लिए इतना, हाँ, इतना ही काफी है दोस्तों। हाँ, इसको ही आप सब्जी बनाने वाले हैं। हाँ। तो दोस्तों खाना पाना खा कर हम लोग निकल पड़े हैं। कहाँ जा रहे जी? दोस्तों हम लोग शरीफा फल तोड़ने के लिए जा रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा पेड़ में हुआ था है ना? बहुत ही ज्यादा हुआ है दोस्तों। और हम लोग तो नहीं खा रहे हैं लेकिन चूहे खा रहे हैं। हाँ, चूहे सब खा लेते हैं, सब खा रहे हैं दोस्तों। तो आज हमने खाना वाना खा खा के हमने सोच लिया कि आज हम लोग शरीफा फल को खाएंगे, तो इसलिए हम लोग आए हैं शरीफा फल तुलने के लिए दोस्तों। हाँ, पेड़ कहाँ है? पेड़ इधर ही, इधर ये रहा, दूसरा साइड में, लेकिन नहीं दिख रहा है दोस्तों कैमरे में। लेकिन बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन सब शरीफा फल को चूहे खा रहे हैं दोस्तों। इतना भी बड़ा हो रहा है खाना, छोटा सा जितना भी बड़ा हो रहा है खाने का लायक हो रहा है तभी चूहे खा रहे हैं। तो आज हम सब ले जाएंगे दोस्तों। तो मेरा पति अभी उठने वाला है, उठोगे ना? हाँ। मैं दोस्तों तो देख रहे हो ना दोस्तों, उठ रहा है अभी, उठ पाओगे ना? संभाल के, संभाल के। तो दोस्तों मैंने पेड़ के ऊपर चढ़ गया हूँ दोस्तों, ये रहा। और नीचे मेरा वाइफ है, देखो क्या कर रही है। और यहाँ पर एक छोटा फल आप लोग को शायद दिख रहा है, वो रहा, छोटा है थोड़ा। हाँ थोड़ा छोटा है। हाँ, हो जाएगा, उसको भी ले। हाँ हाँ। तो दोस्तों मैं फटाक से ये सबको मैं तुल लेता हूँ। और देख रहे हो ना दोस्तों मेरा पति तुल रहा है, है ना? हाँ, बड़ा है ना? हाँ, बड़ा है। हाँ। लो लो, देख लो। दो, कैच करो ना। कैच नहीं कर पाऊंगी, नहीं कैच करो ना। लो। हाँ कैच कर लिया दोस्तों। हाँ। और यहाँ पर रख देती हूँ, है ना? और एक यहाँ पर, और एक, ये दोस्तों देख रहे हो ना कितना बड़ा है ये। ये बड़ा वाला है दोस्तों, कैच कर लिया दोस्तों मैंने। देख रही हो ना अभी मेरा हस्बैंड किसी पेड़ को हिला रही है, देख रही हो ना पेड़ कैसे हिल रहा है, इतना मत हिला। दोस्तों मुझे तो लग रहा है घोड़े पर सवारी कर रहा हूँ दोस्तों, देख रही हो ना क्या करी। हो जाएगा, नीचे उतरो। हाँ हाँ। तो उतार लेते हैं दोस्तों संभाल करके। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो ना हमने इतना सारा तोड़ लिया है, कितना पीस हो गया? तेरह पीस है दोस्तों। हाँ। सिर्फ एक ही पेड़ में हुआ था दोस्तों, ये रहा, छोटा पेड़ है दोस्तों। हाँ। इसी पेड़ में 13 पीस हुआ था दोस्तों, इतना ही तोड़ेंगे हम। हाँ, हो जाएगा, इतने में हो जाएंगे। नहीं लेकिन और भी बाकी है। हाँ ना, पेड़ में छोटा है, पेड़ में और भी बाकी है दोस्तों, लेकिन छोटा छोटा है, नहीं हुआ है, पकड़ो नहीं हुआ है दोस्तों। और कभी खा लेंगे। हाँ हाँ। और आज इतना ही लेंगे दोस्तों, इससे ज्यादा लेकर भी हम लोग नहीं खा पाएंगे दोस्तों, खाली बेकार हो जाएगा। कहाँ पे बेकार होगा? बेकार नहीं तो क्या होगा, हम लोग फेंक देंगे। ज्यादा मैं खा लूंगी ना, जब मैं ज्यादा खा लूंगी तो कहाँ रहेगा, आज पता चलेगा तुम कितना खा रही हो। हाँ ठीक है। ठीक तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम इतना सारा लेकर आ गए हैं, है ना? हाँ दोस्तों, देख रहे हो ना कितना अच्छा दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट दोस्तों। बहुत ही अच्छा दिख रहा है, जैसे पक गया है दोस्तों, लेकिन ये अभी तक नहीं पका है, ये सिर्फ पकड़ो हुआ है। तो दोस्तों शरीफा को 3 तरीके से खाते हैं दोस्तों। पहला तरीका जब शरीफा पेड़ में ही पक जाता है तब खाते हैं। हाँ। और दूसरा तरीका जब पेड़ में पकड़ हो जाता है तब तुलकर इसको किसी गर्मी प्लेस में रखकर पक जाता है तब खाते हैं।
और तीसरा तरीका आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों शरीफा को तीन तरीका से खाना जाता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे आप लोग जरूर वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो ना अभी मेरा वाइफ गरम हांडी में पानी डाल रही है दोस्तों। हाँ पानी डाल रही है दोस्तों। इतना भी हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हो ना अभी डालने वाला है दोस्तों शरीफा को। हाँ शरीफा को डालने वाला है। एक एक करके डालने वाला हूँ मिट्टी का हांडी में दोस्तों। हाँ हाँ दोस्तों मिट्टी के हांडी में इसको कर रहे हैं हम लोग। अरे मिट्टी के हांडी में ही करते हैं दोस्तों। हाँ। तो दोस्तों सब शरीफा को दे दिया है मेरा वाइफ। हाँ, और अभी हाँ, अंदर तो अभी ढक्कन देने वाली हूँ। हाँ, दे दो। दे दिया ढक्कन भी दे दिया दोस्तों। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी इसको हम लोग चेक करने वाले हैं। हाँ, चेक कर लेंगे पहले। हाँ, हाँ, हुआ है कि नहीं? नहीं अच्छे से हुआ है कि नहीं हम लोग थोड़ा चेक कर लेंगे दोस्तों। गरम है। हाँ गरम तो है। हुआ है। कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 2 पीस है, नहीं 3 पीस है, 11 पीस, ये रहा 12 पीस। दोस्तों देखो दोस्तों ये लास्ट वाला। तो दोस्तों हम सब शरीफा को उतार लिया है। हाँ। और सब शरीफा का कलर देखो दोस्तों बिल्कुल अलग हो गया है दोस्तों, पूरी तरह अलग हो गया है। तो इसको अभी हम खाएंगे। हाँ। इसको सिर्फ बॉयल करना ही पड़ता है दोस्तों, ये जब सीख जाता है तब उसके बाद खाते है दोस्तों। हाँ। अंदर अभी भी गरम है दोस्तों, है ना? हाँ हाँ गरम है। दो मुझे तो गरम हो यार कुछ भी हो पूजा कर लिया। हाँ ठीक है गरम है ना। हाँ दोस्तों बहुत गरम था दोस्तों। मैंने कहा था ना गरम है बहुत ज्यादा ना। इसका चप्पा को खाते नहीं है दोस्तों। हाँ हम चप्पा भी खा लेंगे। खाओ तो फिर खाओ। नहीं। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। दोस्तों शरीफा फल को तीन तरीके से खाते हैं तो उसका टेस्ट भी अलग अलग है दोस्तों। हाँ बिल्कुल अलग है दोस्तों। जो पेड़ में पकता है वो बहुत ही टेस्ट लगता है, मीठा मतलब। हाँ, बहुत ही मीठा लगता है चीनी की तरह। और जो पेड़ में पकड़ होकर हम लोग तुल करके उसको किसी गर्मी प्लेस में रखकर पकाते हैं वो भी मीठा लगता है दोस्तों, मीठा ही लगता है। और हम लोग तीसरा तरीका में बनाया है दोस्तों तो इसका टेस्ट अलग है दोस्तों, बहुत ही अलग है। ये उतना मीठा नहीं लगता है दोस्तों, हल्का फुल्का मीठा लगता है। तो दोस्तों शरीफा फल को हमने खा लिया है, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। उतना मीठा नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। तो वीडियो को इतने में ही खत्म करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।